प्रेम सब बातों को सह लेता है। दोस्तों, आज एक सास बहू की मज़ेदार कहानी सुनेंगे। इस मज़ेदार कहानी में मोरल शिक्षा भी है। यदि इस कहानी को स्त्रियां, मतलब नहीं दुल्हन, इस्तेमाल करें तो बहुत ही लाभकारी होगा। एक लड़की की नई नई शादी हुई। वह अपने नए घर, मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश की, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसे हर बात में टोकती थी और कुछ न कुछ उसके विरुद्ध में बोलती रहती थी। उसे अपने पिता का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी ज़रूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। यह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी सुना दी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति हो गई। वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, यही आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। समझदार थे। पिता ने बेटी को 2 दिन के बाद कहा, यदि मैं तुमसे एक बात जैसा कहूँ, क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी तो तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं। बेटी ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखना यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊँगी। पिता ने कहा, वहाँ जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे, तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह से पानी भरे रखना जब तक सासू माँ बोलना बंद ना कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलट कर मत कहना। बेटी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती, तुरंत बहू मुँह में पानी भरकर बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में सासू माँ का व्यवहार इस बहू के प्रति नम्र हो गया। वो सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है, पलट कर कोई जवाब नहीं देती है और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिन में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती, साथ साथ घूमने और मार्केट और ख़रीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद इस लड़की का पिता अपनी बेटी से मिलने आया। घर के सभी लोगों ने पिता का खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे, तब अपनी बेटी से कहा, बिटिया, चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब बेटी ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी, यही मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। कहानी की शिक्षा, प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन है, लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वे ही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। आपने इस सास बहू की मज़ेदार कहानी से क्या शिक्षा पाई है, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।